Hello students standard 7th. How are you all? Hope all fine there. Student uh, now in this video we are continuing in a drawing lesson number 5 mixed bag. In mixed bag in last video we already understand about how to draw free hand. Do you remember now? Ok. Now in this video uh, go to page number 72. पेज नंबर सेवेंटी टू there इज देर आर फन विथ पैटर्नस पैटर्न जो है उसके साथ हम ड्रॉइंग करके फन कैसे कर सकते हैं देख रहे हो लेट्स हैव फोन विथ पैटर्न एंड शेप्स शेप्स से अलग अलग पैटर्नस है उसके फन से हम कैसे ड्राइंग कर सकते हैं देख रहे हो यहाँ पे कलर द बिलो इमेज विथ सॉफ्ट एंड लाइट कलर्स नीचे की जो इमेज है पिक्चर है उसमें सॉफ्ट और लाइट कलर्स करने हैं। क्या दिख रहा है यहाँ पे कार्टून दिख रहा है, है ना? और वहाँ पे शेप भी दिख रहा है है कि नहीं कौन कौन से शेप है यहाँ पे सर्कल है फिर रेक्टेंगल टाइप का है है ना? फिर पॉलिगोन uh, है मतलब कि टेढ़ा uh, मेढ़ा है ना फिर अलग अलग बहुत सारे शेप है ट्राइंगल है तो ये सब शेप्स है और डिज़ाइन भी है पैटर्न उसको आप कलर करके एंजॉय कर सकते हो वो आपको करना है ये आज का होमवर्क है ठीक है उसके बाद न्यू पेज पे जाओ पेज नंबर सेवेंटी थ्री गए क्या है पिकॉक हैव यू एवर सीन आ डिंग पिकॉक क्या आपने कभी पिकॉक है और डांस करते हुए देखा है यू हैव वन फॉर यू यहाँ पे जो है पिकॉक उसका ऐसा ही पिक्चर दिखाया गया है कि जो डांस करता हुआ है पिकॉक कब डांस करता है डू यू नो जब बारिश होती है तो देख रहे हो यहाँ पे बारिश हो रही ऐसा भी पिक्चर दिया है तो क्या करना है एड ब्राइट कलर्स इन द पिकॉक पिकॉक में ब्राइट कलर्स एड करने हैं मतलब कि फील करने हैं ब्राइट मतलब कि मोस्टली पिकॉक कौन से कलर का होता है ब्लू ग्रीन उसका मिक्सअप होता है टर्कोइस कलर उसका होता है मोरपिच जो आप हम बोलते हैं गुजराती में तो ये मोरपिच जो पंख होता है मोर पंख उसी का जो कलर है वो ही हम यूज़ करते हैं मोस्टली पिकॉक में इसलिए पिकॉक एकदम ब्यूटीफुल लगेगा कलर इट विथ अ ग्लिटर पेन क्या यूज़ करना है ग्लिटर पेन ग्लिटर पेन यूज़ करके ये पूरा पिकॉक बनाया और नीचे देखो ग्रास जैसा आपको करके ही दिया है है ना प्रिंट किया हुआ है बुक में आपको सिर्फ पिकॉक में कलर करना है वो भी ग्लिटर पेन से और ऐसे ब्राइट कलर्स के जो पिकॉक के अंदर एकदम ब्यूटीफुल लगे ऐसे कलर्स ठीक है ना स्टूडेंट्स तो ये दोनों आपके होमवर्क है आज के आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल तो ये दोनों पूरा करना है आपको थैंक यू वेरी मच